देखिए, पटना यातायात पुलिस को लगातार जो बाइकर्स थे, राइडर्स जो हैं, जो लहरिया कट मारते हुए या स्टंट करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, चार लहरिया बाइकर्स को पकड़ा गया। उनकी बाइक को जब्त करने का प्रस्ताव डीटीओ को भेजा गया। लगभग 60,000 के आसपास उनका चालान किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, अगर शहर में, पटना राजधानी में, अगर आप स्टंट करते हैं और सोशल मीडिया पे उसका वीडियो डालते हैं तो हो जाए सावधान, कहीं आपका भी न कट जाए चालान। बता दें, ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने साफ तरीके से बता दिया है कि अगर स्टंटबाजी करते हैं, विदाउट हेलमेट चलते हैं, तो आप लोगों का कट पूरी तरीके से काटा जाएगा चालान। वहीं बीती रात की अगर बात कर ली जाए तो स्टंटबाजों को पटना के ट्रैफिक SP ने तकरीबन 6 गाड़ियों को पकड़ा है और तकरीबन उस पर 60,000 रुपये का फाइन लगाया है। वहीं पर उनके मालिकों को भी बुला करके चेतावनी दे करके और फाइन दे करके छोड़ा जा रहा है। और उन्होंने पटना वासियों से यह भी कहा है कि इस चेतावनी, इस वीडियो के जरिए वह दे रहे हैं कि अगर उचक्के और लफंगे अगर इस तरह का वीडियो और कारनामा करते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि अगले बार से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ट्रैफिक SP अपराजित, जा देखें। देखिए, पटना यातायात पुलिस को लगातार जो बाइकर्स थे, राइडर्स जो हैं, जो लहरिया कट मारते हुए या स्टंट करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तथा आम जनता को दिक्कत पैदा करते हैं, उनके खिलाफ लगातार कंप्लेंट्स मिल रहा था। उसी के तहत अभियान चलाते हुए DSP 4 श्री अमित कुमार और DSP 1 श्री कृष्ण प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उसी के तहत आज यहाँ पे गांधी मैदान ट्रैफिक थाने में चार लहरिया बाइकर्स को पकड़ा गया। उनकी बाइक को जब्त करने का प्रस्ताव DTO को भेजा गया। जो भी शमन की कार्रवाई हुई है उसके अंदर लगभग टोटल चारों बाइक के ऊपर मिला करके लगभग 60,000 के आसपास उनका चालान किया जा रहा है। उसी के साथ में एक और सेक्शन होता है डेंजरस ड्राइविंग वाला, जिसका पावर उसमें चालान करने का जो है वो DTO के पास है, तो उसके अंदर भी लगभग 20,000 रुपये का चालान और होगा। साथ ही साथ उनके लाइसेंस और उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल एवं सस्पेंड करने की अनुशंसा भी हमने DTO के कार्यालय में कर दी। कहाँ से पकड़े गए हैं? देखिए, ये सब सोशल मीडिया टीम जो हमारी थी वो काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, उन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है इस तरीके के बाइकर्स का। तो इन लोगों को इनके घर से गिरफ्तार होने के घर से बुलाया गया है और इनकी जो बाइक थी उसको भी जब्त किया। सोशल मीडिया के जरिए कार्रवाई की गई है या ऑन द स्पॉट कार्रवाई? नहीं, सोशल मीडिया के जरिए इसकी कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसने लगभग 30 से 35 बाइकर्स का उसके अंदर लिस्ट निकाली है। ये हमारे एक प्रिवेंटिव एक्शन आप इसको मान सकते हैं दुर्गा पूजा से पहले, क्योंकि दुर्गा पूजा के समय पे जो पिछले हमने हिस्ट्री देखी है तो इसी तरह के बाइकर्स काफी उसके अंदर हुड़दंग मचाते हैं, साइलेंसर हटवा लेते हैं, शोर मचाते हुए चलते हैं या फिर रैली किसी टाइप से निकालते हैं, जिसके अंदर आम जनता को तो खतरा होता है, साथ ही साथ उनके जान को भी खतरा होता है। कितने प्रोफाइल को चिन्हित किया गया? 35 प्रोफाइल हमने चिन्हित की हुई है और हमारा जो अभियान है उस लगातार कार्रवाई उसके अंदर चल रही है। अन्य लोग भी जैसे जैसे चिन्हित होते रहेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम यही करेंगे। साथ ही साथ हम एक मैसेज और देना चाहेंगे कि जो ये कार्रवाई हम कर रहे हैं इसका एक चेतावनी मानी जाए सभी लोगों के लिए, सभी इस टाइप के बाइकर्स और राइडर्स के लिए, क्योंकि हम अभी से केवल आपका चालान करके एक सिविल ऑफेंस बना करके उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन यदि आप दूसरी बार इसी तरीके के ऑफेंस में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर FIR की जाएगी। इसमें भी एक लड़का जो आज पकड़ाया है जिसकी बाइक के ऊपर उसने अपना नंबर का छेड़छाड़ किया गया है, नंबर की छेड़छाड़ से उसके उससे जब पूछताछ की गई भाई ये क्यों किया गया है, तो उसने बताया कि सर चालान के चलते कि ANPR कैमरा में या इस कैमरा में हमारा चालान जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन नहीं हो इसलिए हमने उसको छेड़ दिया। तो ये मैसेज भी हम आम जनता को देना चाहेंगे कि यदि आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस टाइप से छेड़छाड़ जो नंबर के साथ आप करते हैं वो छोटा मोटा काम है, वो ऐसा नहीं है, ये फोर्जरी में आता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्यूमेंट है, यदि उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो फोर्जरी में आता है, जिसका FIR होता है और उसका सजा 10 साल होता है। तो इसी के लिए हम आपको चेतावनी है, जो इस तरह के जो शरारती तत्व है उनके लिए चेतावनी है और बाकी सब लोगों के लिए हम ये सूचना देना चाहते हैं। तो आपने देखा कि ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने साफ तरीके से कहा है और चेतावनी भी इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने दिया है कि अगर राजधानी पटना में स्टंटबाजी करते हैं तो इस तरीके से अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब वे उनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रैफिक SP पूरी तरीके से नजर रख रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी नजर रखा जा रहा है। अगर राजधानी पटना में इस तरीके का स्टंटबाजी करते हैं तो आप लोग भी हो जाएं सावधान, नहीं तो आपका भी कट जाएगा चालान।